क्या था पूरा मामले का? एक कल थाना महानगर में रहने वाले संजय अग्रवाल के द्वारा एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिनमें उनके द्वारा बताया गया था कि उनके दो नौकरों द्वारा इनके पिताजी माताजी और एक बच्चा था, इनको जहर दिया गया था। वो दोनों सारा में भर्ती थे, तीनों लोग। उनके द्वारा नौकरों में सख्त जहर किया गया था। दो नौकर थे, वंश और एक बच्चा था माइनर। जब उनसे पूछताछ की गई तो जो माइनर था बच्चा नौकर, उसका कोई इसमें रोल नहीं पाया गया। वंश है जो फिरोजाबाद का रहने वाला है, जो 3 महीने से इनके यहाँ काम कर रहा था, इसके द्वारा बताया गया कि पूरी इस प्लानिंग इसके द्वारा की गई थी। इसने जब ये अपने घर गया था कुछ दिन पहले, तो वहाँ पे एक HS है मुकेश बघेल और एक नंद किशोर, इन तीनों ने मिलकर प्लानिंग की थी कि इनके घर में काफ़ी पैसा है, इसने पैसा रखते हुए देख लिया था घर वालों को। इनके द्वारा प्लानिंग की गई, इसी के तहत ये करीब 60 गोलियां उन लोगों ने इसको दी LPX-05 की, और इसके द्वारा वंश के द्वारा खाने में ये तीनों भाई गोलियां दे देंगी पीस के जिससे इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हुई तीनों लोगों की। जब ये सोने गया तो इसने एक घर का गेट खुला छोड़ दिया और दोनों बता दिया, जो दोनों फिरोजाबाद से आए थे, कि अब अंदर आ जाइए। तो जब वो अंदर गए तो उसमें जो बच्चा था वो जाग रहा था उस टाइम, तो ये लोग वहाँ से भाग के घटना कार्य नहीं कर पाए। इस तरह से इसकी गिरफ्तारी कल हुई थी। वंश है, जब इस द्वारा बताया गया तो मुकेश बघेल जो कि फिरोजाबाद का HS है और नंद किशोर, उनकी अच्छी खासी क्रिमिनल हिस्ट्री है, उनकी दोनों को फिरोजाबाद से आज गिरफ्तार किया गया है। कुछ और पूछना है सर? किसी के साथ मिलकर इन्होंने किया था? भाई नौकर था, जैसा मैंने बताया दो लोग इसके साथ और थे फिरोजाबाद से। इनका अच्छा खासा, क्योंकि मुकेश की तो HS खुली हुई है, तो उसके खिलाफ तो ऑब्वियसली काफ़ी केस होंगे। दूसरा है, इसकी भी अच्छी खासी क्रिमिनल हिस्ट्री है, फिरोजाबाद से बात हो रही है, थोड़ी देर में आप अपने इतिहास भी प्राप्त हो जाएगा। सर क्या इन्होंने कोई सामान भी लूटा था जब इन्होंने जहर दिया था? नहीं, ये घटना कभी प्लानिंग थी, कुछ कर नहीं पाए। दोनों जब अंदर घुसे तो इनको लगा बच्चा जग रहा है, तो ये वहाँ से भाग गए थे। वंश कितने महीने से काम कर रहा था? ये वंश इनके यहाँ करीब 3 महीने से काम कर रहा था। सत्यापन इसका कराया था? अभी हम लोग देखेंगे कि सत्यापन हुआ तो नहीं हुआ।